मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस दुनिया में ये मुमकिन नहीं कि हम अपने अल्लाह को देखें, और मुमकिन इस वजह से नहीं कि अल्लाह ने निज़ाम ये बनाया है कि दुनिया में इंसान मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह अगर चाहते तो अल्लाह ताला शानु अपने आप दिखा सकते थे, लेकिन निज़ाम अल्लाह ने यह बनाया कि इस दुनिया में इंसान अल्लाह को नहीं देख सकते, लिहाजा हमारी अल्लाह से मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन ये भी तय है कि क़यामत के दिन हम में से हर शख्स अपने अल्लाह को ज़रूर देखेगा, और ये इसलिए कि कुरान में भी अल्लाह ताला शानु फरमाते हैं, जिसमें तस्करा है देखने का, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया जब सहाबे किराम ने पूछा कि क्या हम अपने रब को देख सकेंगे, हल नारा रब्बना, क्या इस हकून अपन खुदा उचित, क्या हम अपने अल्लाह को देख सकेंगे, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक हदीस में कि जैसे चौदहवीं रात का चांद देखना आसान है, इसी तरह से तुम कयामत के दिन अपने अल्लाह को देखोगे। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं कि सहाबे किराम ने कहा या रसूल अल्लाह हल नरा रब्बना, या अल्लाह के रसूल क्या कयामत के दिन हम अपने रब को देख सकेंगे, तो आपने इरशाद फरमाया हल तज़ामूना फी रुयतिल कमर लैलतल बद्र लैस दूनहु सहाब। और एक जगह इस हदीस के अल्फाज इस तरह से हैं हल तज़ामूना फी रुयतिश शम्स फी निस्फ नहार लैस दूनहु सहाब। चौदहवीं रात के चांद हो, आसमान में चमक रहा हो, फिजा में बादल न हो, उस चांद के देखने में कौन सी मुश्किल है, तो फरमाया जैसे तुम चांद को आराम के साथ देख सकोगे, इसी तरह से अपने अल्लाह को भी कयामत के दिन देखोगे। तो अब इस दुनिया में तो अल्लाह नहीं देख सकते, कयामत के दिन अल्लाह को ज़रूर देखेंगे। उस देखने के बाद सवाल और जवाब क्या होगा, ये तो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, लेकिन हम अपने लफ्ज़ों में अपनी सोच के मुताबिक अगर हम ये कहेंगे कि अल्लाह ताला सानों ने अगर हमसे कहा हो कि आओ मेरे साथ हिसाब करो, फिर अल्लाह फरमाएंगे मैंने तुम्हें क्या क्या दिया था मैं सुनाता हूँ तुम्हें, फिर फरमाएंगे मैंने तुम्हें इंसान बनाया था, हम कहेंगे जी हाँ बनाया था, फरमाएंगे क्या मुझे ताकत थी कि मैं तुमको पैदा ही ना करता, हम कहेंगे बिलाशुबा, फिर फरमाएंगे अगर मैं पैदा करता मगर जंगली जानवर बना देता तुम कुछ कर सकते थे, हम कहेंगे कुछ नहीं कर सकते थे, फिर फरमाएंगे अच्छा मैंने तुमको जंगली जानवर नहीं बनाया मैंने तुम्हें इंसान बनाया, तुमने डिमांड की थी इंसान बनने की, हम कहेंगे नहीं या अल्लाह हमने तो नहीं कहा था। अल्लाह फिर पूछेंगे क्या तुम्हारा कोई हक था मेरे ज़िम्मे, क्या मैं अगर तुम्हें इंसान न बनाता तो तुम मेरे खिलाफ कोई कदम उठाते, हम कहेंगे नहीं अल्लाह हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर फरमाएंगे अच्छा मैंने तुम्हें इंसान बनाया मगर मुझे ये भी ताकत थी कि तुमको पैदा करता किसी ऐसे घर में जहाँ ईमान की दौलत नहीं थी, हम कहेंगे हाँ या अल्लाह अगर मैं तुम्हें उस घर में पैदा करता जहाँ मेरे ही पैदा किए हुए बंदे थे मगर वो कुफ्र में थे तो तुम क्या करते, हम कहेंगे या अल्लाह हम तो कुछ भी नहीं करते। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या तुमने मुझे कोई दरख्वास्त दी थी, क्या तुम्हारा कोई मुतालबा था, क्या तुम्हारी कोई डिमांड थी, क्या मुझे कोई डर था कि मैं तुम्हें ईमान वाले के घर में पैदा नहीं करूँगा तो न जाने क्या होगा, हम कहेंगे या अल्लाह नहीं नहीं ना हमने मुतालबा किया ना आपको हमारा कोई डर हो सकता था ना हम कोई एहतजाज कर सकते थे ना हमारे पास कोई एहतजाज का डिमांड का प्रोटेस्ट का ऐसा ज़रिया था कि हम आपके खिलाफ कुछ करते नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ना मुझे कोई खौफ था ना मुझे कोई लालच था ना मुझे कोई दबाव था ना तुम्हारी दरख्वास्त थी, इसके बावजूद मैंने तुमको ईमान वाले के घर में पैदा किया था, हम कहेंगे हाँ या अल्लाह किया था। अब अल्लाह ताला फरमाएंगे ये सारे एहसानात मैंने तुम पर किए, इसके बाद फिर बताओ मेरे नबी को कितने भूख कितने फाके लगे, तुमको ज़िंदगी में कितने फाके लगे थे, हम कहेंगे अल्लाह कभी नहीं, वो कहेंगे मेरे नबी को न जाने कितनी मर्तबा पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता था, तुम कभी ज़िंदगी में नंगे रहे, हम कहेंगे नहीं अल्लाह ऐसा भी नहीं है।
کہ میرے نبی کو اپنا گھر نہیں تھا، دوسرے کے گھروں میں بہت دنوں تک ان کو رہنا پڑا، تم کبھی کبھی دوسروں کے گھر میں رات گزارنی پڑی؟ ہم کہیں گے نہیں اللہ، ایسا بھی نہیں ہوا۔ پھر فرمائیں گے اچھا میرے نبی نے جب گھر بنایا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ جب وہ سوتے تھے تو سر ایک دیوار کے ساتھ لگتا تھا اور پاؤں دوسرے دیوار کے ساتھ لگتا تھا، میرے نبی جب رات کو نماز پڑھتے تھے تو ان کی بیوی سامنے سوئی ہوتی تھی، ان کے پاس جگہ نہیں تھی کہ وہ الگ سو جائے اور میرے نبی نماز پڑھے۔ تمہارا گھر اتنا بڑا تھا؟ ہم کہیں گے نہیں اللہ، ہمارا تو بہت بڑا تھا، ہم کو تو سونے کا کمرہ الگ تھا، ہم کو تو بیٹھک کا کمرہ الگ تھا، ہم کو تو یہ سب الگ الگ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے، جتنے مزیدار کھانے تم نے کھائے ہیں کیا میرے نبی نے وہ سب کھائے تھے؟ ہم کہیں گے نہیں یا اللہ نہیں۔ فرمائیں اچھا جتنی فیسلٹیز کے ساتھ تم نے زندگی گزاری تھی کیا میرے نبی کو ایسی فیسلٹیز رہی ہیں؟ کہیں گے نہیں یا اللہ۔ کہا یہ سب میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ اچھا تم کو تعلیم یافتہ بنایا تھا؟ کہ جی ہاں یا اللہ تعلیم یافتہ بھی بنایا تھا۔ پھر تمہاری شادیاں بھی ہوئی تھی؟ کہ جی ہاں یا اللہ شادیاں بھی ہوئی تھی۔ پھر تم کو اولادیں بھی ملی؟ کہ جی ہاں یا اللہ اولادیں بھی ملی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو میں نے تمہیں انسان بھی بنایا، پورا جسم عطا کیا، ایمان والا بنایا، تعلیم بھی دی، گھر بھی دیے، کھانے بھی دیے، خوشیاں بھی دی، سب ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اچھا ایک بات بتاؤ، میرے بہت سارے بندے دنیا میں اندھے ہوتے تھے، تم کو میں نے اندھا تو نہیں بنایا؟ ہم کہہ کر نہیں ہارے۔ پھر کہیں گے اچھا میرے بہت سارے بندے دنیا میں گونگے ہوتے تھے، وہ بول نہیں سکتے تھے، تم نے دیکھا ہوگا؟ ہم کہیں گے ہاں ہاں یا اللہ دیکھا ہم نے۔ اچھا یہ بتاؤ میں نے تم کو گونگا اگر بنایا ہوتا تم کیا کرتے؟ کہ یا اللہ ہم بھی نہیں بول پاتے تو تم کو میں نے گونگا بھی نہیں بنایا۔ اچھا تم نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں مینٹلی اب نارمل بہت سارے لوگ ہوتے تھے اور وہ ہسپتالوں میں بند ہوتے تھے، تم نے دیکھا؟ ہم نے کہا ہاں یا اللہ دیکھا تھا، اگر میں چاہتا تو ویسا ہی تمہیں بناتا، تم کیا کرتے؟ ہم کہیں گے نہیں یا اللہ کچھ نہیں۔ پھر فرمائیں گے یہ سب وہ ہے جو میں نے تیرے ساتھ کیا ہے۔ اب فرمائیں گے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا وہ تو میں نے بتا دیا، اب تم اپنا بتاؤ۔ جیسے مجھے پانوں نے حساب، میرے بھائی اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی نعمتیں یہ ساری ہیں، ان کا انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بد کہتا ناشکر اچھے، پھر جو سب آگا فرمایا قلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہیں میرے بندوں میں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا فذکروا آلاء اللہ، یاد کرو میں نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں۔ میرے بھائیو انسان سو مزاج کے ساتھ سنیے، انسان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے اس کے بارے میں سوچے اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، جو ملا سوچیں اگر یہ نہ ملا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، گھر ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، دیکھنے کو آنکھیں ہیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، بولنے کو زبان ہے نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کھانا مل گیا نہ ملتا تو کیا ہوتا، اور کھانا مل گیا لیکن کھا نہیں پاتے تو کیا ہوتا، اور کھا پاتے لیکن ڈائجسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر کھانا ڈائجسٹ ہو جاتا مگر قبض کی بنا پر باتھ روم نہیں جا پاتے تو کیا ہوتا، ہم کھاتے اور وہ ڈائجسٹ نہ ہوتا اور ہماری نیند اڑ جاتی اور اس کے نتیجے میں راتیں بے قراری میں گزرتی تو کیا ہوتا۔ غرض یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی غور کر کے سوچنا چاہیے اگر یہ ایسے ہے نا ایسے کیا بنے، اور اگر یہ ایسے نا تل کیا بنے۔ اولاد والا سوچے کہ اگر میں بے اولاد ہوتا تو کیا ہوتا، روزگار والا سوچے اگر میں بے روزگار ہوتا تو کیا ہوتا، تعلیم والا سوچے کہ اگر میں ان پڑھ ہوتا تو کیا ہوتا، اور دین والا سوچے اللہ نے اگر مجھے دین سے دور کیا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ایمان والا سوچے اگر میں بے ایمان آسا کفر اسمت میں کیا بہنے بکت آسا۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب پہلے لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے گا، اپنا جائزہ خود لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تم سے کہے گا چلو میرے ساتھ کرو۔ میرے بھائی ہم سب بہت خوش قسمت ہیں، بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہم کو ایمان والا بننے میں کوئی ایسی قربانی نہیں دینی پڑی جیسی قربانی صحابہ کو دینی پڑی، جیسے قربانی
उसके बाद के लोगों को देनी पड़ी और जैसी कुर्बानी आज के किसी ईमान कबूल करने वाले को देनी पड़ती है। आज भी जब कोई आदमी ईमान कबूल करता है तो बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं जिनका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि हम पे वो बीती नहीं, हमने वो झेला ही नहीं, हमने उसका सामना ही नहीं किया, हम पे वो हालात ही नहीं आए, लिहाजा हमें नहीं मालूम होता है क्या क्या झेलना पड़ता है। अल्लाह ने इन तमाम इम्तिहानों से हमें बचाकर घर के अंदर ईमान की दौलत अता फरमाई। ईमान वाली माँ के पेट में हमने 9 महीने गुजारे, ईमान वाली माँ का दूध पिलाया, ईमान वाले बाप की शफकतों में साया गुजारवाया, ईमान वाले के घर में रह करके अपने बचपन के नखरे किए और बाप माँ बाप ने शफकतें दी, और पैदा हुए तो अजान पढ़ी गई, पैदा हुए तो खतना हुआ, पैदा हुआ तो हमको बिस्मिल्लाह पढ़कर हमारी माँ ने दूध पिलाया होगा। ये सारा इसलिए हुआ क्योंकि हम ईमान वाले के घर में पैदा हुए, और अगर ईमान वाले के घर में पैदा न हुए होते तो न जाने कब क्या क्या हुआ होता और क्या क्या हमारे साथ किया गया होता और क्या क्या हमें खिलाया और पिलाया गया होता। हम इस ईमान वाले माहौल में उन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये ईमान वाला ही ईमान ही नसीब हुआ जिसके नतीजे में हम सजदा करते हैं तो सिर्फ एक अल्लाह को, मानते हैं तो सिर्फ एक अल्लाह को, झुकते हैं तो सिर्फ एक अल्लाह से, खौफ है हमारे दिलों में तो सिर्फ एक अल्लाह का, और मोहब्बत है तो कायनात के खालिक व मालिक एक अल्लाह की। वो एक सजदा जिसे गरां समझता है तू, देता है 1000 सजदों से आदमी को नजात। क्या इंसान तुझे न जाने किन किन के सामने झुकना था, तुझे न जाने किन किन को सजदे करने थे, न जाने किस किस मखलूक को तुझे खालिक के मकाम पर पहुंचाना था, मगर तुमने गोया अल्लाह ये कहते हैं मैंने तुझे अपने सामने झुकाया तो 1000ों के सामने तेरी गर्दन झुकने से बच गई। मैंने तुझे अपना सजदा अता किया, 1000 सजदों से तो बच गया। और अगर मेरा सजदा तुझे नसीब ना हुआ होता तो न जाने किस किस को तुझे सजदे करने पड़ते। अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत के साथ शिकवा करते हैं तो कितना नाशुक्र है तुम, क्यों नहीं सोचते मेरे साथ तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, तुम क्यों कहते हो हमारा खुदा हमें पूछता ही नहीं है, तुम क्यों कहते हो ऐसा क्या खुदा है, तुम क्यों समझते नहीं, क्यों मुझे याद नहीं रखते हैं, क्यों मुझे भूल जाते हो तुम, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ, हर वक्त मेरी नियमतें तुम पर बरस रही हैं, तुम खाना खाते हो तो उसमें तरह तरह के मज़े हैं वो मैंने ही तुम्हारे लिए रखे, तुम मज़ों के किस्म किस्म के खाने खाकर मीठी नींद सोते हो खराटों के साथ वो मैं ही तो तुम्हें नींद देता हूँ, तुम अपनी बीवियों के साथ वक्त गुजारते हो खुशियों के साथ वो लज्जतें तो मैंने ही दी हैं, तुम्हें औलादें दी गई हैं वो औलादें तुम्हारे कितने अच्छी लगती हैं तुम्हारे वो मैं ही तो पैदा करता हूँ, तुम्हारे फसल तुम्हारे खेतों के अंदर फसलें उगती हैं और तुम ज़मींदार बनकर जब अपनी फसल को देखते हो कैसी खुशी होती है उस वक्त, ज़मींदार ही समझित कि ज़मींदार करता खुशी जगह था तमीज़ या वीसो पंजे साथ जरा था सोचा वो मैं ही तो करता हूँ, जब तुम्हारे गाय के थानों में दूध आता है तुम्हें कितनी खुशी होती है वो मैं ही तो पैदा करता हूँ, जब जब तुम बीमार होते हो और बिलख करके खुद मुझे पुकारते हो मैं कभी दवाई के बाद तुम्हें शिफा देता हूँ कभी दवाई के बगैर तुम्हें शिफा देता हूँ, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम खाने खाते हो उन खानों में तुम्हें मज़े आते हैं, मैं एक तरफ से खानों में मैंने मज़ा रखा और दूसरी तरफ से तुम्हारी ज़ुबान पर मैंने टेस्ट रखा, इस टेस्ट की वजह से तुम्हें खानों में मज़ा आता है, वरना तो तंग आ जाते खाते खाते जैसे बनी इसराइली तंग आ गए थे, मन्नो सलवा खाते खाते एक ही चीज़ खाते खाते तंग आ गए थे। मैं तुम्हारे लिए कसम कसम की डिशें किस्म किस्म की चीज़ें मुहैया कर देता हूँ, फलों को देखो कैसे खाते हो और वो फल अलग अलग जायकों वाले अलग अलग फ़ायदों वाले अलग अलग तासीर वाले, तुम्हारे बागों में एक सेब पैदा होता था उसकी तासीर सर्द थी, तुम्हारे बागों में दूसरा सेब पैदा होता था उसकी तासीर गर्म थी, मैं जानता था कि मेरे बंदे को कभी पेट में गर्मी होगी तो ठंडा सेब खाएगा और कभी ठंड लगेगी तो गर्म सेब खाएगा, मैंने गर्मी का इंतज़ाम तुम्हारे लिए किया ठंडा का इंतज़ाम भी तुम्हारे लिए किया, तुम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे मैंने तुम्हारे लिए दुनिया में आग भेजी, वो आग खतरनाक भी थी लेकिन तुमको फायदा भी पहुंचाती थी, उसी से तुम्हारे खाने पकते थे, उसी से तुमको गर्मियां मिलती थी, उसी से तुम तरह तरह के फायदे उठाते थे और उसी से बचकर रहते थे, तुम्हें मकान बनाने थे मैं उसके लिए जंगल बनाए और जंगलों से तुम जंगलों को काट काट करके तुम मकान बनाते थे, तुम्हें अपने मकान बनाने थे मैंने मिट्टी और पत्थर बनाए उससे तुम अपने मकान और पिट्टी गरज ये कि
अल्लाह की नेमतें हर वक्त हर इंसान पर बरस रही हैं, चाहे इंसान माने या न माने। इस दुनिया में सबसे बड़ा नादान वो शख्स है कि जो अल्लाह की ज़मीन पर रहकर अल्लाह का दिया हुआ जिस्म इस्तेमाल करके, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें और पानी पी कर और खा कर फिर अल्लाह की नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारे, उससे बड़ा बदबख्त इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला कहते हैं ये जानवरों से ज़्यादा बदतर हैं, इनहुम इल्ला कल अनाम बलहुम अदल। ऐसे इंसानों को अल्लाह ताला कहते हैं ये तो बदतरीन मखलूक है, पैदा अल्लाह के किए हुए हैं और अल्लाह फरमा रहे बदतरीन मखलूक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें शामिल नहीं हैं। हम न बदतरीन जानवर हैं न बदतरीन मखलूक, हम न बदतरीन जानवर हैं न बदतरीन मखलूक। क्यों? वो भी इंसान हम भी इंसान। तो जवाब, हम इस ज़मीन और इस आसमान और इस कायनात के खालिक को मानते हैं और वो उसका इनकार करते हैं। हम पैदा करने वाले की नियमतों को खाकर उसको तस्लीम करते हैं, वो पैदा करने वाले की नियमतें खाकर फिर कहते हैं कुछ खुदा क्या खुदा इशन माना। हम पानी बरसाने वाले अल्लाह को मान करके फिर पानी पीते हैं और आखिर में फिर अलहमद पढ़ते हैं, और वो पानी तो अल्लाह का पीते हैं लेकिन सजदे किसी और को करते हैं। हम अल्लाह की दी हुई औलाद पर शुक्र पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और वो किसी और का। तो इसलिए हम बेहतरीन मखलूक हैं और दूसरे क्या हैं वो समझें। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल लदीन आमनु व अमिलुस सालिहात उलाइकहुम खैरुल बरिया, बेशुबा वो लोग जो ईमान लाते हैं, ईमान का मतलब उन्होंने तस्लीम किया कायनात का खालिक और मालिक एक अल्लाह, तस्लीम किया कायनात को खालिक और मालिक जो है वही माबूद है, वही खालिक है, वही रज़ाक है, वही माँ की छातियों में दूध पैदा करता है, वही गाय के थनों में दूध पैदा करता है, वही आसमान से पानी बरसाता है, वही ज़मीन से चीज़ें उगाता है, वही जानवर को इंसान के मातहत बनाता है, वही बॉडी के अंदर तमाम ऑर्गन पैदा करता है, वही आँख बनाता है और आँख के अंदर देखने की ताकत रखता है, वही कान बनाता है और कान के अंदर सुनने की ताकत, उसी ने ज़बान बनाई और ज़बान के अंदर बोलने की ताकत भी रखी, चखने की ताकत भी रखी, और पानी निकाल करके मुँह को लुआब से तर रखने की ताकत भी उसी अल्लाह ने रखी। उस अल्लाह को हम मानते हैं, इसलिए अल्लाह कहते हैं इन्नल लदीन आमनु व अमिलुस सालिहात उलाइकहुम खैरुल बरिया, बिलाशुबा वो जो ईमान वाले हैं, जिंदगी जिंदगी ईमान के मुताबिक और मेरे नबी के तरीक़े के मुताबिक गुजरती है वो बेहतरीन मखलूक है। उस बंदे की अजमतों का क्या ठिकाना जिसको अल्लाह कहें तुम बेहतरीन मखलूक, और उस बंदे की बर्बादियों की क्या हद है जिसको अल्लाह फरमाएंगे बदतरीन मखलूक। एक को कहा उलाइकुम शर्रुल बरिया, दूसरे को कहा उलाइकुम खैरुल बरिया। शर्रुल बरिया और खैरुल बरिया, अजीब बात यह है अल्लाह ने खिंजीर को हराम तो कहा बदतरीन मखलूक नहीं कहा, कुत्ते को हराम तो कहा, कुत्ते के लुआब को 7 मरतबा धोने का हुक्म तो दिया मगर कुत्ते को बदतरीन मखलूक नहीं कहा। सांप और बिच्छू डंक मारता है तकलीफ होती है मगर बदतरीन मखलूक फिर भी उनको अल्लाह ने नहीं कहा। जंगली जानवर खूंखार होता है फाड़ करके इंसानों को खाता है मगर बदतरीन मखलूक उसको भी नहीं कहा। मक्खियाँ मच्छर इंसानों को बहुत तंग करते हैं, वाकई तंग करते हैं, लेकिन बदतरीन मखलूक उनको भी अल्लाह ने नहीं कहा। लेकिन उस इंसान को जो इंसान है जिसको अकल दी समझ दी और उसके सामने सच्चा दीन आ गया और फिर भी इस कायनात के खालिक व मालिक को न माने और फिर भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी अजीम शान शख्सियत जिनके कमालात को सारी दुनिया तस्लीम करती है, उनके नाम मुबारक उनके कमालात को सुनकर फिर भी जो नहीं मानता है तो अल्लाह उनको कहते हैं ये बदतरीन मखलूक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बदतरीन मखलूक इससे बेहतरीन मखलूक इसमें शामिल मगर अनपच वो ऐसे कि इसका दर्जा इसमें से इसका आलम इसमें से। अगर अल्लाह ताला शानो फरमाएंगे तुम सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे लेकिन मेरी नमाज पढ़ने की तुम्हारे पास फुर्सत नहीं थी, मुझे वजह बताओ क्यों। अगर अल्लाह ताला शानो फरमाएंगे तुम अपने फंक्शनों पर लाखों उड़ा दे करते थे और मेरे बंदे फाके मरते थे तुम उनको ज़कात देने को तैयार नहीं होते थे क्यों। अगर अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि तुम डॉक्टरों के कहने पर फास्टिंग करते थे
अल्ट्रासाउंड करने पर, सिटी स्कैन करने पर 12-12, 14-14 घंटे भूखे रहते थे और पानी पी करके फिर सिटी स्कैन करने के लिए जाते थे। मैंने कहा था कि रोज़ा रखो, वो तुमको रोज़ा क्यों भारी होता था। मैंने कहा था तुम्हारे सामने लाइफ स्टाइल दो है, एक मेरे नबी के दुश्मनों का लाइफ स्टाइल है और एक मेरे नबी का लाइफ स्टाइल है। तुम उनका लाइफ स्टाइल क्यों अपनाते थे? तुम्हें क्या उनसे मोहब्बत थी? तुम क्यों कहते थे कि हम वैसा बनना चाहते हैं? तुम क्यों नहीं कहते थे मैं नबी जैसा बनना चाहते हैं? नबी का कल्चर, नबी का सिविलाइजेशन, नबी की तहजीब, नबी का ड्रेस कोड, नबी की शक्ल सूरत तुम्हें पसंद नहीं थी, तुम्हें नबी के दुश्मनों का तरीका पसंद था, क्यों? तो हम क्या जवाब देंगे? अगर अल्लाह ये फरमाएंगे डॉक्टर के कहने पर तुम मेरी पैदा की हुई हलाल चीज़ें छोड़ने को तैयार हो जाते थे और मेरा नबी तुमसे कहता था ये चीज़ मत खाओ, तुम छोड़ने को क्यों तैयार नहीं होते थे? जब तुमको डॉक्टरों ने कहा कि मुंह बंद कर दो, मास्क लगाओ, तो तुम लगाने को तैयार हो गए, और मेरे नबी ने कहा था औरतों को पर्दा करो, वो कहते थे हम पर्दे करने को तैयार नहीं। सेहत के लिए तो तुमने उनकी बात मान ली और मेरी रजा के लिए मेरी नबी की बात तुमने नहीं मानी, तो क्या जवाब देंगे? मेरे भाई, अगर हमारे लिए मैसेज है तो क्या? नंबर एक, जितना शुक्र करें उतना कम। जितना अल्लाह की नेमतों को सोचें और समझें और नेमतों का एहसास करें उतना कम। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह की नेमतों में डूबे हुए हैं और अल्लाह की नेमतों ही के सहारे जिंदगी गुजर रही है और तमाम किस्म की नेमतें अल्लाह ने अता कर दी हैं। इतनी नेमतें अता की हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी गुसल किया, कभी मग से पानी नहीं डाला क्योंकि मग उनके पास नहीं था। अल्लाह के नबी ऐसा ने सारी जिंदगी वजूर गुसल किया, कभी साबुन इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने साबुन देखा भी नहीं है। अल्लाह के नबी ऐसा ने सारी जिंदगी खाना खाया मगर कभी भी एक दिन में दो मरतबा पेट भरकर खाना कभी नहीं खाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर में कोई अलमारी नहीं थी क्योंकि अलमारी सामान के लिए होती है, उनके पास कोई सामान नहीं था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर में न कोई संदूक था, न कोई ब्रीफकेस था, न कोई सूटकेस था, न कोई वार्डरोब था, न कोई अलमारियां थी, कुछ भी नहीं था। आज हमारे घरों में वार्डरोब होते हैं, लॉकर होते हैं, संदूक होते हैं, ब्रीफकेस होते हैं, उनमें कपड़े होते हैं, ढेर लगे हुए होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई संदूक नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी जितने सफर किए, किसी सफर में आपके लिए कोई जाय नमाज नहीं बिछाया गया, मिट्टी पर पत्थरों पर आपने नमाजें पढ़ी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के घर में सारी जिंदगी कभी चिराग नहीं जलाया गया, सारी जिंदगी अंधेरे में रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी मसालेदार खाना नहीं खाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने न कभी चावल खाए, न कभी मसाले खाए, न कभी दालें खाई, न कभी किस्म किस्म की सब्जियां खाई, न इनको मज़ेदार बना करके कभी खाने, कभी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने न कभी चाय पी है, न कभी ब्रेकफास्ट किया है, न कभी डिनर और लंच, ये सब था ही नहीं। मिल गया तो खाया, क्या खाया, कभी दूध का प्याला पिया, कभी चंद खजूरें खाई और बस। हमारे पास आज जितने कपड़े हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबे किराम सोच भी नहीं सकते थे इतने कपड़े उनके पास होते, पर आज हम आसानियों के साथ, आज हमारे पास जितने लाइटिंग का इंतज़ाम, कम्युनिकेशन का इंतज़ाम, मैटिंग का इंतज़ाम, पर्दों का इंतज़ाम, दरवाज़ों खिड़कियों का इंतज़ाम, हत्ता कि अब तो आज के ज़माने में बैतुल खलाओं के टाइलों का कंपटीशन चल रहा है, बल्कि नौबत यहां तक आ गई तो हम अपने बर्तनों के लिए भी कालीन बिछा रहे हैं, बर्तनों के लिए कालीन। तो ऐसा आज शासन नए दस्तरखान कैलीन बानन खाते तो कैलीन आई थी सुच कैलीन बानन क्या परेशानी है तुम कैलीन बिछाओ ने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जोर आपको अपने लिए बैठ बिछाने के लिए कालीन नहीं, हमारे तो बर्तनों के लिए भी कालीन आ गया। कप कप रखना है चाय का, उसके नीचे कालीन है, नाम है दस्तरखान।
इतनी फैसिलिटीज का जमाना है उसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे भाई, शुक्र हमारा मामूल बनना चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में इंसान मुसलसल दीन से दूर होते जा रहे हैं। 5.5 अरब इंसान इस्लाम से महरूम, 1.5 अरब इंसान इस्लाम के अंदर हैं, ईमान वाले हैं, मगर उन ईमान वालों के अंदर अक्सरियत वो है कि जिनकी ज़िंदगी गैर ईमान वालों जैसी है। अक्सरियत ऐसी है जिनकी ज़िंदगी गैर ईमान वालों जैसी है, यानी बेशुमार मुसलमान चुं तिहुद वथुन भी हों, तिहुन खन चन, तिहुन बिजनेस, तिहुन सोरी कह कहीं चीज सुन तिमन मत इस्लाम अलामत सिवाय अज अख नाव मुसलमानों हूँ बे अगर मर्द आसन तिम खतन हाल बस अमे रचुन भी कहीं। अल्लाह का फजल है हम उनमें से नहीं हैं, हम उनमें से हैं जो अल्लाह के दीन को सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, दीन की मजलिसों में आते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह ने हक का रास्ता हमें अता फरमाया है और इस सब किया सबूत यह है कि हम दीन की मजलिस में मौजूद हैं। अल्लाह ने यह दीन हमको अता फरमाया उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी मेहनत की है। कश्मीर में इस्लाम लेकर आने वाला पहला शख्स वो चाइना से आया था और चाइना से पैदल सफ़र करके यहाँ पहुँचे हैं और न जाने कितनी मुश्किलात झेल करके, जबान बेचारों की अलग थी, खाना उनको यहाँ का पसंद सूट नहीं करता था, मुश्किलात के साथ वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के बादशाह को इस्लाम की दावत दी। उस आने वाले का नाम था सैयद अब्दुलरहमान बुलबुल, सैयद शरफुद्दीन अब्दुलरहमान बुलबुल रहिमहुल्लाह ताला, ये पहला शख्स जो कश्मीर में आया। उसके बाद तकरीबन 50 साल के बाद हज़रत शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला वो शहजादा की जैसी ज़िंदगी गुजारते थे। वो इस कायनात के सबसे ऊंची ख़ानदान सैयदों में से हैं शाह हमदान रहिमहुल्लाह ताला। उन्होंने अपना वतन छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा, अपने असातिज़ा, अपने शुयूख, अपने पीर, अपने सारे छोड़कर आ गए यहाँ ताकि यहाँ इस्लाम का नूर फैले और उनके ज़रिए से इस्लाम की नियामत फैली। पैदल सफ़र किया उन्होंने, फाके लगे, ददा के पहाड़ियों को क्रॉस किया, पहाड़ियों पर सोए, गफाओं में रातें गुजारी और फाके लगे और कहीं सवारी नहीं मिली, कभी सवारी मिली तो उसे गिर भी गए। इस तरह से सफ़र कर करके पहुँचे यहाँ, ईमान की दौलत पहुँची और ईमान फैल गया यहाँ। उनके ज़रिए से न कोई पैसा यहाँ आया, उनके ज़रिए से न कोई लालच यहाँ आया, उनकी तरफ से न कोई प्रेशर था, न कोई दबाव था, न कोई धोखा था, बस सच्चा दीन लेकर सच्चा इंसान आया और यहाँ के लोगों की किस्मत में हक था तो अल्लाह ने उनको इस्लाम की दौलत अता की और वो मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उसके बाद फिर वो अल्लाह का दीन हम तक पहुँचा, अल्लाह का दीन हम तक पहुँचा हमारे वालदेन के ज़रिए, हमारे बुज़ुर्गों के ज़रिए। और इसलिए हम कह सकते हैं या अल्लाह, इस खित्ते में आपका नबी नहीं आया, इस खित्ते में कोई सहाबी नहीं आया, इस खित्ते में न शेख अब्दुल कादिर जीलानी आए, न इमाम आज़म अबू हनीफा आए, न इमाम बुखारी आए, न इमाम मुस्लिम आए, न औलिया किराम की वो पुरानी खेप में से कोई आया। बहुत बाद में आपके दो नेक बंदे यहाँ तक पहुँचे, ठीक है हम तक इस्लाम पहुँचा है और हम आपसे वादा करते हैं कि दीन हक हम तक पहुँचा, इसी दीन पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह, अगर वो आपके बंदे यहाँ ना आए होते तो हो सकता था आज तक ये कुफ्र बरकरार रहता, जैसे दुनिया के बेशुमार खितों में आज भी कुफ्र बरकरार है। बिल्कुल हमारे पड़ोस में चाइना, बिल्कुल हमारे करीब में है कोरिया, हमारे करीब में है दूसरे कई खित्ते, वहाँ ईमान की दौलत नहीं पहुँची और अगर पहुँची तो वहाँ के लोगों को मुकद्दर नहीं था, वह आज भी उसी कुफ्रिस्तान के अंदर है, वह आज भी वही कीड़े मकोड़े खाते हैं। आपको नहीं मालूम होगा चाइना के लोग सांप भी खाते हैं, बिच्छू भी खाते हैं, गागर तिश्ती क्या वाल गागरंच क्या वाल, वो एक सजदा जिसे अगर ना समझता है तू देता है 1000 सजदों से आदमियों को नजात, तो शाह पता तो क्या क्या उसको छू और क्या क्या उसको तो करूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मेरे भाई, शुक्र और शुक्र के बाद फिर इस एहसास कि अल्लाह ने हमको ईमान और इस्लाम की दौलत अता फरमाई, अब हमारी ड्यूटी क्या है? तो जवाब, हमारे सबकी ड्यूटी ये है हम इस इस्लाम को सीखें, अपनी ज़िंदगी में उतारें। हमारा अल्लाह जैसा हमें हुक्म करता है वैसे हम अपने माँ बाप के साथ रहेंगे,
हमारा नबी जैसे हुक्म करता है वैसे हम अपनी बीवियों के साथ रहेंगे, हमारा अल्लाह जैसे और हमारा नबी जैसे हुक्म करेगा वैसे हम बिजनेस करेंगे, हमारा अल्लाह और हमारा नबी जैसे हम बताएंगे वैसे हम शादियाँ करेंगे, हमारा अल्लाह और हमारा नबी जैसा हमें हुक्म करता है वैसे हम बागबानी करेंगे, हमारा अल्लाह और हमारा नबी जैसे हुक्म करता है वैसे हम जिंदगी का हर काम करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत अता फरमाई। बाग वाले कुरान की वो आयतें पढ़ें जिन आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारे लिए ज़मीन से कैसे फल उगाता हूँ, इन फलों के कलर अलग अलग, इन फलों के मज़े अलग अलग, इन कलों की शेपें अलग अलग, और इसी ज़मीन में सारे फल तुम्हारे लिए उगाता हूँ, तुम खुद खाते भी हो इनका बिजनेस भी करते हो। कुरान में जगह जगह फलों की पूरी तफसील है। और चूंकि उस जमाने चूंकि मक्का मुकरमा मदीना तैयबा में सेब नहीं थे इसलिए अपने अल्लाह ने सेब की मिसाल वहाँ नहीं दी, क्यों, अल्लाह हकीम है। अगर वो सेबों की मिसाल वहाँ देते तो वहाँ के लोग कहते हैं जनाब अशन समझी मन ये सूट ही क्या गो बेच रूसों थे ऐसे, तो अल्लाह फलों की मिसाल दे करके फिर साथ में कहते हैं उस कौम को जिन फलों का इल्म था उसी फलों का तस्करा किया। बहुलदी अनशा जन्नार तुम मारूशात वगैरह मारूशात, वही तुम्हारा रब है जिसने तुम्हारे ये बागात खड़े किए हैं, वही तुम्हारा रब है जो इन बागों में कसम किस्म के मेवे लगाता है और उसके बाद इन बागों में कलर भी आता है जायका भी आता है, तुम खुद भी खाते हो और यही तुम्हारा बिजनेस है, तुम सेब उतार उतार कर खाते हो तो वह अल्लाह तुम्हें याद क्यों नहीं आता है, तुम सेब उठा करके बेचते हो वह अल्लाह तुम्हें याद क्यों नहीं आता है जिसके ज़रिए सब हो रहा है, तुम्हारे घर में वो गाय है जिस गाय से तुम दूध निकालते हो तुम्हारा अल्लाह कहता है वइन्ना लकुम फिल अनआम लइबरा, ये जानवर तुम्हारे लिए नसीहत हैं मैं उसके जिस्म से दूध निकाल कर तुम्हें पिला रहा हूँ, लकुम फिया मुनाफ़ मशारिब, किस्म किस्म की चीज़ें तुम इनकी खा रहे हो पीसे हो कि उनके गोश्त के तुम्हें कितनी डिशें बनाई हैं ये सारा मैंने बनाए हैं, तो वो तुम्हें अल्लाह याद क्यों नहीं आता है, तुम क्यों नहीं सोचते हो तुम्हारी वो गाय कभी हरी हरी घास खाती है और सफ़ेद सफ़ेद दूध देती है, कभी खुश्क घास खाती है सफ़ेद सफ़ेद दूध देती है, तुम गौर करो वो दूध सफ़ेद कैसे हुआ, जरा मैटर वेटरनरी साइंस वाले अब तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि गाय का दूध सफ़ेद कैसे बन जाता है। गरज ये कि अल्लाह की कुदरतें अल्लाह के एहसानात को देख देख करके अल्लाह को पहचानना और अल्लाह की मारिफत हासिल करना बहुत आसान है आज के ज़माने में, इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अल्लाह को पहचानें, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ हो और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिर्फ एक है वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुमकिन है सुना होगा कि एक अंग्रेज़ ने पूरी तमाम इंसानों की हिस्ट्री पढ़ी, कितनी पढ़ी होगी वल्लाहु आलम, ये अमेरिकन था, एक अमेरिकन राइटर जिसका नाम था माइकल हार्ट, उसने पूरी इंसानी तारीख के 100 आदमी चूज़ किए, 100 आदमी मुंतखब किए कि ये इंसानी तारीख के सबसे ऊंचे दर्जे के इंसान हैं और इन्होंने इंसानी तहजीब पर सबसे ज़्यादा असरार डाले हैं, लिहाजा ये 100 इंसान हैं, और उन 100 इंसानों में से सबसे पहले नंबर पर उस शख्स ने जिसका नाम लिया है वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसको डर था ये कि लोग मुझसे सवाल करेंगे कि तुमने इनका नाम सबसे पहले क्यों लिया, वो सोचता होगा कि लोग मुझसे कहेंगे तुम यूरोपियन थे तुमने किसी यूरोप वाले का नाम लिया होता, तुम अंग्रेज़ थे तुमने किसी अंग्रेज़ का नाम लिया होता, तुम क्रिश्चियन थे तुमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से स्टार्ट किया होता, तुम जिस खत्ते के थे वहाँ के किसी स्कॉलर किसी रूलर किसी साइंटिस्ट किसी थिंकर किसी का नाम ले सकते थे, तुमने नबी मुसलमानों के नबी का नाम क्यों लिया, ये उसे डर था, तो उसने जवाब लिखा कि इस ज़ात से ज़्यादा कामयाब इस कायनात में कोई भी नहीं है, और कामयाब होने के माना क्या है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जो यतीम थे जिसका न बाप जब माँ न भाई न बहन, बचपन में न जाने कितने फाके लगे और किसी से नहीं कहा मुझे कौन खिलाएगा, इंसान खाता है बाप की प्रॉपर्टी थी नहीं, इंसान को खिलाती है माँ वो जा चुकी थी, इंसान की फिक्र करते हैं भाई बहन वो थी नहीं भाई बहन, तो हमारे नबी का बचपन यतीमी में गुजरा, कभी किसी जगह रेत पर सो गए कभी खाने काबा की दीवार के नीचे रात गुजारी,
कपड़े कौन धोता होगा अल्लाह के इल्म में, खत खिलाता कौन होगा अल्लाह के इल्म में, फाके कितने लगे होंगे अल्लाह के इल्म में, ठीक। उस यतीम को पूछने वाला कोई नहीं, न सरमाया था उनके पास, इसी यतीम की हालत में उन्होंने बचपन गुजारा, इसी यतीम की हालत में जवान हुए, पूछने वाला कोई नहीं। और उसके साथ साथ उस यतीम ने जब जवानी स्टार्ट की तो अपनी जवानी को कोई दाग लगने नहीं दिया। ये जवान हो तुम्हारे लिए अगर नमूना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाकीज़ा जवानी नमूना है। तुम्हारे लिए नमूना फिल्म स्टार नहीं है, तुम्हारे लिए नमूना रोल फैशन डिज़ाइनर नहीं है, तुम्हारे लिए नमूना फिल्मी हीरो हीरोइन नहीं है, तुम्हारे लिए नमूना क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, तुम्हारे लिए नमूना फुटबॉल खिलाड़ी नहीं है, तुम्हारे लिए नमूना है मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो पाकीज़ा जवानी, जिस पाकीज़ा जवानी की हिफाजत खुद उन्होंने की है, बाहर से कहीं को हिफाजत नहीं हुई, और उस पूरी मुकद्दस तरीन ताकतवर तरीन खूबसूरत तरीन जवानी को कोई दाग नहीं लगा। यही वजह है कि उनके दुश्मन आगे चल करके कह ना सके कि जनाब आपकी जवानी में ये खराबी थी, आपकी जवानी में ये जुर्म पाया गया, हमने आपको ये करते देखा गया, मुखालफतें सब कुछ हुई मगर दाग कोई नहीं लगा सका, क्योंकि मोहम्मद की जवानी बेदाग जवानी थी। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा खराब कर गए शाहीन को सोहबत जाग, तुम तो पाकिजा जवान थे और किस चीज़ ने तुमको ड्रग्स में, आवारगी में, बदकारियों में, गलत फ्रेंडशिप में, गलत सोसाइटी के अंदर, गलत आदतों के अंदर, म्यूज़िक और डांसों के अंदर किस चीज़ ने तुमको उलझाया? तुम्हारे लिए तो नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात थी। तो ये जवान वो अहद करके उठें कि हमारे लिए रोल मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, हमारे लिए रोल मॉडल और कोई नहीं, वो नहीं जिनकी रातें गुनाहों में गुजरती हैं, वो नहीं जिनके खाने पीने की चीज़ें सारी के सारी गंदी हैं, वो नहीं है जिनके ज़रिए से दुनिया में फहाशी और अय्याशी और उरियानियत और बदकारियाँ और हम जिन्स परस्ती और सारी गंदगियाँ फैलती हैं, वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है। हमारे लिए रोल मॉडल हैं वो जिनसे ज़्यादा पाकीज़ा और मुकद्दस इस कायनात में कोई नहीं, वह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई अल्लाह ने हमको ये दीन हक अता फरमाया, हम तक पहुंचा, हम गवाही देते हैं या अल्लाह आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, हमारा हाल आपके सामने है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब दुआ की, तब तर्जम छु या अल्लाह सुच वछान बुका जाए छुस, या अल्लाह सुच बोजा बुका वाना, या अल्लाह मून अंदरिम तो नबरिम हाल सोरे से ब्रोटकन अयान, या अल्लाह मून कहीं चीज़ सुन चन चनी छुपित। ये मैं तर्जमा कर रहा हूँ, कश्मीरी ज़ुबान में सही तर्जमा मैं नहीं कर पाता हूँ, कोशिश करके जो तर्जमा किया वो यही है, अल्फाज मुबारक हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका तस्मऊ कलामी, या अल्लाह आप मेरी बात सुन रहे हैं, व तारा मकानी और आप मुझे देख रहे हैं, बुका जाए छुजबीत, वतालम सर्री वालानियती और मेरा अंदर और बाहर का सारा हाल आपके सामने खुला हुआ है, वाला यखफा अलैक शमीन अमरी, मेरी कोई चीज़ आपसे छुपी हुई नहीं है, वनल बाइसुल फ़कीर और मैं बेबस फ़कीर आपके सामने, अलमुस्तगीस फरियाद करने वाला, अलमुस्तजीर आपकी पनाह ढूंढने वाला, अलमुकीरुल मुअतरफ़ बिज़म्बी अपने गुनाहों का इकरार करने वाला, असअलुक मसअलतल मिस्कीन मिस्कीनों की तरह से मैं आपके सामने झोली फैलाए हुए, जलील कोई जलील तरीन गुनेगार बंदा जैसे बिलकता और गिड़गड़ाता हो, मैं भी आपके सामने वैसे ही गिड़गड़ा रहा हूं। ये अल्लाह के नबी की दुआ, अब तहिल इब्तिहाल अब्दिल मुज़्ज़निब जलील, पत्थर पे मुश्किल तरीन मुश्किल मुबतला बंद इसके सबर गिड़गड़ा हुआ, इसी तरह मैं आपके सामने गिड़गड़ा रहा हूं। फिर आगे फरमाया, मेरी गर्दन आपके सामने झुकी हुई, मेरी आंखों आपके सामने आंसू बहाते हैं, मेरा बदन आपके सामने कपकपा रहा है, ए अल्लाह एक नजर करम मुझ पर फरमा दें, अल्लाह तआला ने भी दुआ करो बिक शकिया। ठीक इसी तरह से हम अपने अल्लाह को कहेंगे, या अल्लाह आपने दीन हम तक पहुँचाया, हम गवाही देते हैं और हम आपको गवाह बना करके कहते हैं, हम आपको गवाह बना करके कहते हैं, आप हमारे अल्लाह हैं और हम आपके बंदे हैं, और आपके नबी को हम क्या कहेंगे, आप गवाह रहे हैं, आप गवाह रहे हैं, हमने आपके नबी को अपना नबी मान लिया।
अल्लाह मिन्ना नुशहदुक, अल्लाह हम आपको गवाह बनाते हैं, अन्ना नशहद, हम गवाही दे रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कयामत के दिन ये गवाही आपके पास हमारी अमानत है। आप खुद कयामत के दिन फरमा दीजिए तुम्हारी गवाही मेरे पास रिकॉर्ड में है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह ने इतना हमको नवाजा है तो अब हम अपनी अगली जिंदगी ईमान, इबादत, अखलाक, हुस्न किरदार, खूबी वाली जिंदगी बनाएंगे। ऐसी जिंदगी कि हमारा अल्लाह भी हमसे राजी हो और किसी मखलूक को हमसे कोई तकलीफ ना हो, ना हमारा वाल ना हमारे वालदेन को हमसे दुख पहुँचे, ना हमारे औलादों को हमसे तकलीफ़ें पहुँचें, ना हमारे बीवियों को हमसे दुख पहुँचें, ना हमारे भाइयों और बहनों को हमसे दूरियाँ हों। हम अफसर होंगे तो हम मातहतों को दुख नहीं पहुँचाएंगे, हम मुलाजिम होंगे तो हम अपने कुलीगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, और हम टीचर होंगे तो अपने स्टूडेंट का हक नहीं मारेंगे, हम डॉक्टर होंगे तो पेशेंटों के साथ उसने सुलूक करेंगे, हम अदालतों में होंगे तो अदालतों को जुल्म का नहीं इंसाफ की जगह बनाएंगे जो हमसे हो सकेगा, हम ज़मींदार होंगे तो अपने पड़ोसी का हक नहीं मारेंगे, हम जहाँ होंगे अच्छे बनेंगे, हम जहाँ होंगे अल्लाह के नबी के वो उम्मती बनेंगे कि अल्लाह के नबी भी हमसे फरमाएंगे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा नबी हूँ। और ये तब होगा कि जब हम अपने अंदर चेंज लाएं, और ये चेंज लाना कोई मुश्किल नहीं है। इंसान इरादा करता है तो कुफ्र की बदतरीन ज़िंदगी को छोड़कर ईमान की बेहतरीन ज़िंदगी अपना लेता है, और इंसान इरादा करता है तो गुनाहों के दलदल से निकल करके मकाम आली तक पहुंच जाता है। हर ज़माने में रहा है, आज के ज़माने में भी है। मेरे पास जम्मू से एक लड़का आया, और अभी 4 या 5 महीने हुए, उसने मुझसे कहा कि आपने कभी जम्मू में बयान करते हुए कहा था कि पहले ज़माने में दिल्ली के अंदर कोई तालिबे इल्म मस्जिद में इमाम था, और वहाँ किसी महल्ले की खातून ने उसको अपने घर में बुलाया, और घर में बुला करके फिर उसने सोचा कि ये गुनाह का काम उससे करे। उस लड़के ने बचने की तमाम कोशिश की मगर बच नहीं सका, बचने की इम्कानात नहीं थे, तो उसने आखिर में तदबीर ये की कि वह लेटरिन में जाकर के उसने गंदी अपने जिस्म में मली। और फिर जब वापस आया तो उस औरत को नफरत हो गई, उसने बाहर निकाल दिया। मैंने कहा हाँ, ये वाकया हुआ है, हमने सुना भी है, हमने पढ़ा भी है, और जिस लड़के का ये वाकया हुआ है उस लड़के ने चूंकि अपने जिस्म में गंदगी मली थी इसलिए बदबू पैदा हो गई थी, फिर वो आगे जा कर के दरियाए जमुना में गया और कपड़े धोए, और ये वाकया मैंने बयान किया था। वह वाकया क्या था, किताबों में लिखा हुआ है। हमारे बुज़ुर्गों में गुजरे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़, जिन्होंने हदीस अपने वालिद से ली और आगे पढ़ाई तो हदीस हम तक पहुंची है। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में एक तालिबे इल्म दिल्ली के अंदर एक महल्ले के अंदर इमाम था, वो जवान लड़का था। उस महल्ले के अंदर कोई खातून थी जिसका शौहर कहीं सफ़र में था, वो खातून चूँकि काफ़ी दिनों से शौहर से जुदाईगी की वजह से परेशान थी, और हो सकता है उसको अपनी प्राइवेट ज़रूरत पूरा करने की बेताबी रही हो, इसलिए एक खूबसूरत जवान लड़का उसको अपने घर में बुलाया और बाहर से गेट बंद करवाए, और अंदर ले जा करके उसने बुराई करने के इशारे किए। लड़का पहले तो समझा नहीं, और जब समझ गया तो उसके बाद उसने इरादा किया कि मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। उस खातून ने यह कहा कि तुम बच नहीं सकते, दरवाजे सारे बंद हैं, तुम्हें करना होगा। उसके बाद उस तालिब इल्म ने क्या किया कि वो चला गया बाथरूम के अंदर, लेटरिन के अंदर, और वहाँ से गंदगी लेकर अपने जिस्म पर मली ताकि इस औरत को मुझे देखकर नफरत हो जाए और मैं बच जाऊँ। चुनाचे हुआ, वह जब वहाँ से निकल कर आया तो औरत ने जो ही देखा तो बदबू लग गई, और बदबू की वजह से उसको बहुत ही नफरत के साथ निकाल दिया। ये बेचारा तालिबे इल्म सबक पढ़ने के लिए नहीं पहुँच पाया, वो दरिया जमुना के किनारे गया, अपने बदन को धोया, अपने कपड़ों को धोया, जल्दी जल्दी भीगे हुए कपड़े पहने और सबक में पहुँच गया। तो जो ही सबक में पहुँच गया तो पूरी क्लास के अंदर खुशबू फैल गई, तो सारे लोग कहने लगे भाई ये कैसी खुशबू है। वो सोचने लगा खुशबू कहाँ, मैं तो बदबू में से निकल कर आया, और शायद सफाई करने में कोई कमी रही है इसलिए उनको बदबू आ रही है। अब वो महब्बत की बिना पर बदबू के बजाय वो कहते हैं ये खुशबू है। जब सारे तालिबों ने पूछा तो आखिर में उनके उस्ताद ने उससे पूछा भाई तुमने क्या इतर लगाया। उसने कहा हजरत मुझे माफ़ी दे दें, मैंने इतर तो नहीं लगाया, बस कपड़े धोए हैं, हो सकता है कहीं गंदगी लगी हो।
उसके बाद अगले दिन फिर वही खुशबू, अगले दिन फिर वही खुशबू, यहाँ तक कि ये खुशबू उसके जिस्म पर मौत तक बाकी रही। उसका नाम ही पड़ गया ख्वाजा मुश्की। मैंने ये वाक़ा कभी बयान किया होगा, ये जो नौजवान जो मेरे पास आया उसने कहा ठीक यही वाक़ा मेरे साथ हो गया। आज के ज़माने में उसने फिर अपना वाक़ा सुनाया, जम्मू शहर में कहाँ मेरे साथ हुआ, कहाँ मुझे अंदर ले जाया गया, कहाँ मुझे बदकारी करने पर मजबूर किया गया, कहाँ मेरे वीडियो फिल्म बनने लगी थी और किस तरह मैंने अपने आप को लैट्रिन में ले जा करके पहले तो गंदगी मली और उसके बाद फिर लैट्रिन का दरवाज़ा तोड़ करके मैं किस तरह बाहर आ गया आज भी। और यही तालिबे इल्म मुझसे कहता है कि मुझे 3 मरतबा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़्वाह में ज़ियारत हुई और कॉलेज का लड़का है। मेरे भाई अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आज भी अल्लाह ताला शान हो, आज भी जो हो इब्राहिम का ईमान पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलशितां पैदा। मेरे नौजवान भाइयों, आप क्यों समझेंगे कि हम बच नहीं सकते? इसी कश्मीर का जवान दुनिया के एक बहुत ख़राब तरीन शहर जिसका नाम है एम्स्टर्डम, जो हॉलैंड के अंदर है, वहाँ ये नौजवान है कश्मीर का, मेरा जानने वाला है, ठीक वहाँ से मुझे फ़ोन करके कहता है कि मैंने एक जगह पर 2 रकात नमाज पढ़ी, क्यों? कहता है जी मेरा जॉब चेंज हो गया, मेरी जहाँ वो जॉब करते, अच्छा साइंटिस्ट है तो वो दूसरे किसी फैक्ट्री में चला गया जहाँ वो जॉब कर रहे थे, या किसी तहकीकाती इदारे में रिसर्च सेंटर में चला गया तो वहाँ उसको नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं मिल रही थी। उसने बास से कहा सर मुझे नमाज़ पढ़ने की जगह चाहिए। बास ने कहा भाई नमाज़ क्या होती है? इसने कहा समथिंग प्रायर एक इबादत है। उसने कहा उसके लिए तो शायद तुम्हें साइलेंट रूम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी हाँ साइलेंट रूम होना चाहिए। उन्होंने कहा पूरे कैंपस में अवेलेबल नहीं है कोई साइलेंट रूम, हम तुम्हें नहीं दे सकते, फिर भी कोशिश करेंगे। ये शख्स कहता है कि मैंने देखा रिसर्च यूनिट का एक बेसमेंट में कमरा है जो लॉक रहता है, तो मैं चला गया उसमें, लॉक खोल करके मैंने देखा कि कमरा खाली है और कुछ रिसर्च का सामान वहाँ रखा हुआ है। तो मैंने सोचा ये जगह बहुत मुनासिब है, मगर बास ये जगह मुझे दे नहीं सकेगा, तो मैंने वही नमाज़ पढ़ी और मैंने कहा या अल्लाह इस शहर के अंदर शायद मैं अकेला आपको सजदा करने वाला हूँ, ये जगह मुझे दिलवा दीजिए। कहता मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी, दुआ की, दुआ करके बाहर निकला तो चपरासी मुझे ढूंढ रहा था, चपरासी ढूंढ रहा कहा बास आपको बुला रहे हैं। मैं बास के पास ऊपर पहुंचा तो उसने कहा बेटा तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बहुत अच्छा किरदार तुम्हारा है, तुम कहते थे कि प्रायर के लिए मुझे कोई साइलेंट रूम चाहिए, साइलेंट रूम अवेलेबल नहीं है, अगर तुम अम्मान जाओ तो हम तुमको बेसमेंट का रिसर्च सेंटर दे देंगे। जहाँ उसने 2 रकात नमाज पढ़ी थी वही उसके अलर्ट हो गया। कहता मैं फौरन वापस आ गया और वापस आकर उसी जगह मैंने 2 रकात नमाज पढ़कर कहा या अल्लाह कौन कहता है आप नहीं सुनते हैं, अभी तो मैंने पढ़ी और आपने फौरन बास का जहन पलट दिया। अल्लाह अल्लाह है। इसलिए मेरे भाई अहद करके उठेंगे इंशाअल्लाह कि हम अपनी अगली ज़िंदगी ईमान वाली ज़िंदगी, अखलाक वाली ज़िंदगी, किरदार वाली ज़िंदगी और किसी को तकलीफ़ न पहुंचाने वाली ज़िंदगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि अपने उलमा के साथ जुड़े रहें, दीनी इदारों के साथ जुड़े रहें, दीनी इदारों को मज़बूत करें, दीनी इदारों की ज़रूरतों को पूरा करें, यहाँ से तआवुन दें, दीनी इदारों से दीन सीखें, जहाँ से मदद दें और दीनी इदारों से दीन सीखें। इन उलमा की जिम्मेदारी है ये समझें कि आज के दौर में अपने नबी की तरफ से वारिस यही खड़े हैं। इनको सोचना है कि हम नबी की तरफ से वारिस हैं, दीन की हिफाजत का काम भी हमारा है, दीन की इशाअत का काम भी हमारा है। अगर हमको कहीं तौहीन होती है, हमें हम कबीला खातिर नहीं होना है, हमारे नबी को तो उससे ज़्यादा तौहीनें हुई हैं। हमको अगर कहीं मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा घबराना नहीं है, हमारे नबी को तो उससे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमको अगर कभी ताना सुनना पड़ा तो अपनों से सुनना पड़ा, हमारे नबी को तो दुश्मनों से ताने सुनने पड़े हैं। और याद रखें इब्तिदा में मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, आगे अल्लाह ताला फुतूहत अता करते हैं। मदरसे अपनी इब्तिदा की हालत में ऐसे होते हैं कि वक्त पर खाना भी नहीं मिलता, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि इन उलमा को लाइन लगी हुई होती है लोगों के खिलाने वालों की, इनके पास खाने की फुर्सत नहीं होती। कहते हैं मदरसे में पढ़ करके तुम क्या खाओगे? सूरत हाल ये होती है कि आदमी सोचता है कितनों को इनकार करें, इनकार करते करते लोग थक जाते हैं। खिलाने वाले अल्लाह हैं, ये खिलाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, तो
बड़े साहब के घर में बड़े साहब को परहेज कराया और वहां का जो चपरासी है वो नाट खा रहा है। घर में बड़े साहब के यहाँ खाना तैयार हुआ, बड़े साहब को खा नहीं सकते क्योंकि उसको परहेज है और छोटे साहब सारे खा रहे हैं। अल्लाह खिलाने पर जब आते हैं तो खिलाते हैं। तो मेरे भाई जैसे उन उलमा की जिम्मेदारी है वो ये समझें कि हमारा नाम पड़ गया, हम अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं और अम्बिया अलैहिस्सलाम की वरासत में उम्मत का गम, अम्बिया अलैहिस्सलाम की वरासत में दीन की इशाअत, अम्बिया अलैहिस्सलाम की वरासत में बोलना है तो दीन, चलना है तो दीन के लिए, बिलखना है तो दीन के लिए, गम होगा तो दीन का, शौक होगा तो दीन का, ये इनकी जिम्मेदारी है और हम आम मुसलमानों की जिम्मेदारी है हम इनसे काम लें और यहाँ से इनको मदद करें। मदद करें तो इदारे मजबूत होंगे, जब इदारे मजबूत होंगे तो इन इदारों का नूर चारों तरफ फैलेगा, मस्जिदों में इमाम होंगे, घरों में सुन्नतें आएंगी, नौजवान नस्ल को सही तरबियत मिलेगी, ये सारा होगा तो, और इंशाअल्लाह इसी के नतीजे में हमारा मुस्तकबिल रोशन से रोशन होगा। अल्लाह जल्ल शानहु पहले ये देखना चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरे हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को तैयार हो जाएं तो उसके बाद फिर मेरी तरफ से फुतुहात का दरवाज़ा खुलेगा, और जब मेरे बंदे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को तैयार नहीं हैं, ना इनकी इबादत, ना इनके अखलाक, ना इनका बिजनेस, ना इनके फंक्शन, ना इनकी बागबानी, ना इनकी ज़रात और ज़मींदारी, इनकी कोई चीज़ इस्लाम मेरे दीन के मुताबिक नहीं है कि मदद कैसे मुझसे मांगते हैं और मांगे कि तुम्हें मदद कैसे करूँगा। हाँ, जब ये मेरे और मेरे नबी के को के फॉलोअर बनेंगे आंख बंद करके तो मेरे दरवाजे खुल जाएंगे इनके लिए रहमतों के, और यकीनन रहमतों के दरवाजे खुलते हैं इंडिविजुअल लेवल पर भी और कौमी सतहों पर भी, और वह तब है कि जब ईमान वाला सही ईमान के डगर पर आ जाए। तो मेरे भाई अल्लाह ने हमको बहुत खुशकिस्मत बनाया हम साहिब ईमान हैं, अल्लाह ने हमको बहुत खुशकिस्मत बनाया हम सही मसलक पर हैं, अल्लाह ने हमको बहुत खुशकिस्मत बनाया कि हमारे चारों तरफ अजानें हैं, कभी कभी सुबह को उठ करके तहज्जुद के वक्त उठ करके और फिर बाहर देखें जब चारों तरफ से अजानें होती हैं तो नारा तकबीर जब चारों तरफ से अल्लाहु अकबर और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नगमा गूंजता है तो अजीब कैफियत होती है, अजीब कैफियत। लेकिन अगर आदमी को महसूस नहीं होता है तो ये कमजोरी है, का ये तब तक है जब तक तुम हो। और साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि अगर अगर दीन पर चल सकते थे फिर भी ना चले तो ऐसे हालात आ जाते हैं कि चलना चाहें तो चल नहीं सकेंगे, बच सकते थे तो नहीं बचे, बाद में ऐसे हालात आए कि बचना भी चाहें तो बच नहीं सकेंगे। जब तुम उस हालत में थे कि अल्लाह को झुक सकते थे नहीं झुके तो फिर नतीजा होता है तुमको किसी और के सामने झुकना होगा। अल्लाह उस कैफियत उस मरहले और इम्तिहान से हमारी हिफाजत फरमाए, मगर ऐसा होता है। मेरे भाइयों अल्लाह ने जो दीन हमें अता फरमाया ये दीन हक है, ये दीन सच्चा है, इस दीन में कोई मिलावट नहीं, ये इंसान की फितरत के आयन मुताबिक है, ये दीन मुश्किल नहीं, ये आसान है, ये अप्लीकेबल है, ये सूटेबल है, ये इंसान की तमाम जिस्मानी तकाजों के ठीक मुताबिक है, इसके एक एक चीज़ से इंसान के जिस्म को भी नफ़ा होता है और एक एक चीज़ से इंसान की सोसाइटी को भी नफ़ा होता है। ये दीन वो है जो कहता है नाखून काटोगे तो उस पर भी तुम्हें सवाब देंगे, तुम बाथरूम जाओगे तो उस पर भी तुम्हें अजर मिलेगा, तुम निकाह करोगे तो उस पर भी तुम्हें अजर मिलेगा, तुम नहाओगे तो उस पर भी तुम्हें अजर मिलेगा, तुम साफ कपड़े पहनोगे उस पर भी तुम्हें अजर मिलेगा। ये दीन वो है जो ये कहता है कि तुम अपनी बीवियों के साथ प्राइवेट जिंदगी गुजारोगे उस पर भी हम तुम्हें अजर देंगे। ये दीन वो है, ये सिर्फ एक जगह की तरह नहीं है। ये दीन वो है जो ये कहता है कि अगर तुम खेत में काम कर रहे हो और ये सोच करके मेरे अहलो अयाल का मुझ पर हक है उनके लिए मुझे उगाना है तो तुम्हारा खेत पर काम करना इबादत। तुम अगर दुकान पर सुबह से शाम तक मेहनत करते हो और इसलिए करते हो कि अपने अहलो अयाल के मुझे खिलाना है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बुखारी में हदीस है नफ़कतु रजुली अला अहलिहि सदक़तुन, कि जो तुम कमा करके अपने अहलो अयाल पर खर्च करते हो ये तो सदका है। हमारा दीन वो है जिसने हर चीज़ को इबादत बनाया। एक खातून ने इस्लाम कबूल किया वहाँ साउथ इंडिया में और वो एक कॉलेज की प्रोफेसर, उससे लोगों ने पूछा आपको क्या मजबूरी पड़ी है आप कन्वर्ट हो गई, आपको क्या चीज़ नज़र आई, आपको कोई लालच हुआ है, आपको कोई प्रेशर है? उसने कहा ना कोई लालच ना कोई प्रेशर कुछ नहीं। फिर कहा फिर क्या चीज़ आपको वजह बनी कि आपने इस्लाम कबूल किया? उसने कहा मैंने उस दीन को अपनाया है जो दीन मेरी हर चीज़ को इबादत बनाती है।
उन्होंने कहा मसलन, कहा मसलन मैं रात को अपने शौहर के लिए मेकअप अगर करती हूँ, मेरा दीन कहता है तुम्हें सवाब हम देंगे कि तुमने मेकअप किया, और कल मैं मेकअप करती थी अजनबियों के लिए, अल्लाह मुझसे कहता था तू मुजरिम है। कहा मैं बाथरूम जाती हूँ तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें सवाब, मैं नहाती हूँ तो अल्लाह कहते, अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे सवाब, तो मेरे हर चीज़ पर मुझे इबादत का सवाब मिल रहा है, ऐसा दीन मैंने कबूल किया है मेरे भाई। कहा मैं बाथरूम जाती हूँ दायां पाँव लेकर के जाती हूँ, अल्लाह ताला तुमने मेरे नबी के मुताबिक दायां पाँव अंदर दाखिल किया नबी के ख़िलाफ़, इस पर तुमने गलत किया, मैं फ़ौरन वापस आके मैं बायां पाँव लेकर अंदर जाती हूँ, मेरा दीन कहता है तुमने सवाब का काम किया। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर अल्लाह मुझे नेकी देते हैं, वो दीन मैंने कबूल किया, तो वो दीन अल्लाह ने हमको अता फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे भाई हम अहद करके उठेंगे इंशाअल्लाह कि हम अपने दीन को सीखेंगे, याद करेंगे, करने वाले काम करेंगे, बचने वाले कामों से बचने का इरादा करेंगे, और अगर कभी ऐसा हुआ कि ख्याल आया मैंने फलां गुनाह किया, मैंने फलां गुनाह किया, मैंने फलां जगह ये गलती की, वहीं कहते कारी में खुदा माफ़, मुझे खुदा कहाँ माफ़ करेगा, तो जवाब ये है कि ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए, हमारा अल्लाह बेइंतहा रहीम, बेइंतहा करीम, बेइंतहा करीम, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मोहब्बत के 100 हिस्से किए, 10 हिस्से सारी कायनात में तकसीम किए, 9 हिस्से अपने पास रखे। एक हदीस में फरमाया अल्लाह ने मोहब्बत और शफकत के 10 हिस्से किए, एक हिस्सा सारी कायनात में तकसीम किया, वो खारी कायनात में तकसीम किया, तो माँ बाप के दिल में बच्चों की मोहब्बत, यहाँ तक कि जानवर के दिल में अपने बच्चे की मोहब्बत, 9 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे। तो जब सारी कायनात में एक हिस्सा तकसीम हुआ और इतनी मोहब्बतें दुनिया में हैं, बाप के दिल में औलाद की, औलाद के दिल में वालदेन की, शौहर के दिल में बीवी की, बीवी के दिल में शौहर की, दोस्त के दिल में दोस्त की, पीर के दिल में मुरीद की, उस्ताद के दिल में शागिरद की, दोस्त, ये सारी मोहब्बतें जो अल्लाह ने तकसीम की है, तो जिसने 9 हिस्से अपने पास रखे हैं उसको कितनी मोहब्बत होगी अपने बंदों के साथ। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे अल्लाह ने अपने लिए, तू इन खुदायन पानस, तुम्हारे खुदा ने अपने लिए लिख कर रखा है कि अपने बंदू पर रहम करना, चाहे ये कितने हैं गुनहगार क्यों ना हो। कतब रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने ऑर्डर कर रखा है अपने ऊपर रहम, रहम करना अपने बंदू पर, मन आमिर मिनकुम सुआ बिजहालतिन, नादानी से गलती हो गई नहीं बच सके तो मायूस क्यों हो गए, तुम्हारा रब तो अपने पर ऑर्डर किए हुए है, जो ही तुम मेरे तरफ जुड़ो झुकोगे मैं तुम्हारे तरफ दौड़ कर आने के लिए तैयार हूँ। देखता है अल्लाह आंखें खोल देते हैं, बंदा अल्लाह की तरफ एक कदम चलता है अल्लाह दौड़ करके आते हैं, तो हम अपने अल्लाह से मायूस नहीं हैं, हमारा अल्लाह हर वक्त हमको गले लगाने के लिए तैयार है। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुम्हारा वो करीम रब जिसने सारा तुझे नवाजा है उससे हटकर किसी और की तरफ तुझे कौन ले जा रहा है। सुकम छनक वर्ग लो मुत, सुकम छनक डोल मुत, सुकम छनक गलत बैत कुम लोग मुत, मा गर्रक बिरब्बिकल अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलका, जिसने बेहतरीन जिस्म दिया और जिस्म में जो होना चाहिए वो सारा फिर तुझे दीन अता किया, तो इंशाअल्लाह हम शुक्र भी करेंगे, तौबा भी करेंगे, इरादा भी करेंगे, और उसके बाद फिर चलना भी शुरू करेंगे। अल्लाह जल्ला शानहु, अल्लाह जल्ला शानहु हमको वैसा बनाए जैसा अल्लाह चाहते हैं, और अल्लाह हमें वैसा बनाए जैसा हमारा नबी चाहते थे, अल्लाह हमें वैसा बनाए जिसके नतीजे में हमारी दुनिया और आखरत कामयाब से कामयाब तर हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।